अगर आप भी अपने अनचाहे बालों को नेचुरल तरीके से रिमूव करना चाहती हैं और ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो ये एकदम सही वीडियो है आपके लिए। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, मगर एक एक करके सारे बाल रिमूव हो जाएंगे और ये जो आपका बाल है ना बार बार आता है ना, ये भी आना बंद हो जाएगा। और इसे आप अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकती हैं कि नहीं, अपर लिप्स को बाल जो है उसे रिमूव कर सकती हैं कि नहीं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और इसे स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, और स्टोर करते हैं तो कितने दिन के लिए, वो भी बताऊंगी। और एक ख़ास बात है, उसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और रेमेडी आपने ट्राई किया तो आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो चलिए इसे बना लेते हैं। उसके लिए एक बर्तन लेंगे, बर्तन के अंदर डालेंगे एक छोटा चम्मच खाने का सोडा, आप यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर आपको थोड़ा सा ही डालना है, ये किचन का हल्दी है, तो ज़्यादा डालेंगे तो आपकी स्किन को ये पीला कर देगा, तो हमें पीला नहीं करना है, बस हल्दी के गुड़ को इकट्ठा करना है। अब इसमें मैंने डाला है एक चम्मच भर के बेसन, बेसन जो रहता है ये क्लिनजिंग का काम करता है, हमारे स्किन को ये फेयर करता है, स्किन को दाग धब्बे को रिमूव करता है। सब चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिला लीजिएगा। अब मिलाकर आप इसे एक बोतल में भर के रख सकती हैं, जब इसे बनाना होगा तो आगे जो इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे उसे डालकर इसे आप प्रिपेयर कर सकती हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। इसमें होगा ये कि आपको बार बार तीन डब्बे नहीं खोलने पड़ेंगे, मतलब हल्दी बेसन और बेकिंग सोडा तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाकर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने इसमें एक चम्मच भर के एलोवेरा जेल डाला है, जेल की सहायता से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें हमें पानी या गुलाब जल कुछ भी नहीं डालना है, दूध भी नहीं डालना है, बस जो हमने जेल डाला है उसी को डालकर आपको इस तरीके से मिला लेना है, ये इस तरीके से पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। अब लास्ट में इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब कोलगेट, तो यहाँ पर आपको वाइट कोलगेट लेना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, और दूसरा जेल वाला कोलगेट का इस्तेमाल मत करिएगा। ये हमारे हेयर को आसानी से रिमूव करने में मदद करेगा, जिससे आपका हेयर है ना वो आसानी से रिमूव भी हो जाएगा, दर्द भी नहीं होगा और दाने और पिंपल्स आने का भी टेंशन नहीं रहेगा। एकदम नेचुरल रेमेडी है, मगर इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ना, उसे देखते ही आप हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने अच्छे से मिला लिया है और हमारा जो रेमेडी है ना ये पूरी तरीके से भी बन के तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इसे लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कैमरा बंद हो गया था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बस आपको करना क्या है, अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, बॉडी लोशन या ऑयल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, उसके बाद सुखा लेना है, पानी सूख जाए उसके बाद इसे इस तरीके से लगा लेना है। तो इतना प्रोसेस मिस हो गया है, तो मैं आपसे इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें इस तरीके से लगा लेना है और लगा कर छोड़ देना है 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे तभी ये काम करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड, मगर ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद जो बाल है ना उसका ग्रोथ भी कम हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि बाल बहुत कम उगेंगे, और बस 3-4 बैच के बाद ही आप देखेंगे बाल का आना ही बंद हो जाता है। तो अभी 25 से 30 मिनट हो गया है और देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है, ये देखिए। तो बस आपको एक कॉटन या कपड़ा या फिर आप कोई भी टिश्यू पेपर लेकर इस तरीके से रिमूव कर लीजिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि इसमें देखिए बाल टूट कर निकल रहे हैं, ये देखिए, शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा, आप देख सकती हैं। तो बस आपको इतना ही करना है फ्रेंड, और बहुत ही अच्छे से बाल रिमूव हो जाता है, यकीन मानिए। मैंने इसको करके देखा और इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार थोड़ा सा लगाकर अपने स्किन पर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और कोलगेट डाला है तो आपकी स्किन को सूट होता है कि नहीं, तो एक बार आप बैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तुरंत आप पूरा अपने हाथ पैर में मत लगाइएगा, थोड़ा सा बनाकर ट्राई करिएगा, उसके बाद आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे लगा सकती हैं। तो देखिए, इसे निकालने के बाद गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगी इस जगह को,
और पोंछने के बाद आप देख सकती हैं बाल बहुत ही अच्छे से रिमूव हो गए हैं। बस कैमरा अगर नहीं बंद होता तो मैं पहले भी आपको दिखा दी होती कि बाल यहाँ पर अच्छा खासा था और पेस्ट इतना थिक था कि उसमें अच्छे से नहीं दिख रहा था, मगर मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको दिखा सकूँ। और देखिए यहाँ से बाल टूट कर निकल गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर न थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और लगा लेना है, क्योंकि जब भी आप बाल को रिमूव करें क्रीम की सहायता से या वैक्स की सहायता से या फिर रेजर की सहायता से, तो आप ऐसे नहीं छोड़ें, आप इस तरीके से एलोवेरा जेल ज़रूर से लगा लीजिएगा, क्योंकि जो ओपन पोर्स रहता है ना बाल के जड़ों का, वो उसे बंद कर देता है, जिससे आपको पिंपल्स या दाने आने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जब कुछ धूल मिट्टी या गंदगी जाता है ना तभी पिंपल्स आता है। तो इस तरीके से इसे लगा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।